अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो भाई 12:30 बज रहे हैं और लास्ट डे है आज मेरा दुबई में, लास्ट डे इन दुबई। तो अब हम थोड़ा बहुत खाना वगैरह खाएंगे। भाई कुछ हल्का फुल्का खाएंगे, उसके बाद हम अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। मतलब शॉपिंग वगैरह पे जाना आज, क्योंकि लास्ट डे है आपको पता है, और बहुत ज़्यादा थकन वाला दिन है भाई आज, क्योंकि सुबह जल्दी उठ गए। सेकंड चीज़ ये, अभी कुछ खाएंगे पियेंगे, देन मॉल जाएंगे, और फिर मॉल जाके हम लोगों ने जो है ना शॉपिंग वगैरह करनी है, और उसके बाद रात को 1 बजे मेरी फ़्लाइट है दुबई की, और पाकिस्तानी 2 बजे होंगे, और 2 बजे अगर पाकिस्तानी 2 बज रहे हैं तो 2 बजे से आप लोग हिसाब लगा लें 2 घंटा 15 मिनट, तो वही यार 4:30 बजे तक पहुँचेंगे। तो भाई आज का नाश्ता हम लोग इंडियन कुजीन पे करेंगे, थोड़ा बहुत नाश्ता खा के उसके बाद हम लोग मॉल भी जाना है और थोड़ी बहुत जगहें एक्सप्लोर करनी है दुबई की। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने नाश्ता कर लिया और बहुत मज़ा आया नाश्ता करने में। अब हम लोग जा रहे हैं म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर, दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत तरीन बिल्डिंग और फ्यूचर का म्यूज़ियम। तो म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर की तरफ हम लोग जा रहे हैं। शेखज़ाद रोड है ना ये सब भाई। म्यूज़ियम ऑफ़ द फ्यूचर, तो फाइनली हम लोग म्यूज़ियम ऑफ़ द फ्यूचर पहुंच गए हैं। अब जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी के लिए पार्किंग ढूंढें, उसके बाद हम लोग जाके देखते हैं इसको। भाई बिल्कुल सामने आपके भाई के है दुबई म्यूज़ियम ऑफ़ फ्यूचर। तो भाई आपके भाई के बिल्कुल सामने है म्यूज़ियम ऑफ़ द फ्यूचर, फ्यूचर का म्यूज़ियम, बहुत खूबसूरत। तो भाई म्यूज़ियम ऑफ़ फ्यूचर आपके भाई के पीछे है, देखें आप। मतलब यार ये कैमरा में इतना समझ में नहीं आएगा, बट टू बी ऑनेस्ट इट वॉज सो गुड। सही, जो पीछे है ये अरबी में नाम लिखे हुए, कोई आयत वगैरह नहीं है, जो हमारे लोगों की थिंकिंग है कि भाई कोई आयत लिखी हुई है, अल्लाह का नाम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत खूबसूरत है, यकीन माने आप बहुत ज़्यादा। मैं आपको बैक कैमरा से इसको दिखाता हूँ फास्ट फॉरवर्ड करके। तो भाई म्यूज़ियम ऑफ़ द फ्यूचर शेख जैद रोड पे ये बना हुआ है, आम आवाम के लिए है। अंदर जाने का इसका टिकट है, अभी हम लोग अंदर भी जाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो जितना हमसे कवर हो सकेगा हम उतनी कवरेज इसकी करेंगे इंशाल्लाह। बाकी आप ख़ुद देखें, ये मेन शेख जैद रोड पर बना हुआ है और बहुत खूबसूरत है, फ्यूचरिस्टिक म्यूज़ियम है, आप ख़ुद देखें। भाई इसके बिल्कुल ऑपोजिट है शेख का हाथ, कैसे है ऐसे। सो इट्स अ साइन ऑफ विनिंग, ये विनिंग का साइन है, मतलब W बना हुआ है, ये 3 थंब से लेके मिडिल फिंगर तक। मुझे खुद भी नहीं पता था, तो मैंने गूगल किया कि इस साइन का क्या मतलब है, जो दुबई में हर जगह है। तो इस वक्त हम लोग जो है ना म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर के अंदर आ गए हैं, आप ये देखें ऊपर। तो फाइनली हम लोग म्यूज़ियम ऑफ़ द फ्यूचर के अंदर आ चुके हैं, और आप ये देखें इनकी ये जो रूफ़ है इसके ऊपर पूरी ये अरबिक में नाम जो लिखे हुए हैं, और ये ग्लो हो रहे हैं, मतलब ये रात को देखने में तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन अभी भी दिन की रोशनी में ये बहुत आउट क्लास लग रहा है। आप ये देखें एलिवेटर, देखें इनका, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा आउट क्लास, आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, और वाकई फ्यूचरिस्टिक म्यूज़ियम है ये। मतलब दुनिया कहती है, दुनिया में यही है कि म्यूज़ियम ऑफ़ द फ्यूचर, फ्यूचर का म्यूज़ियम है ये, और आप ख़ुद देखें बहुत आउट क्लास और बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो भाई म्यूज़ियम ऑफ़ द फ्यूचर में आए और फ्यूचरिस्टिक चीज़ें ना देखें तो ऐसा हो नहीं सकता। आप ये देखें रोबो डॉग, मतलब यार कितना आउट क्लास है यार ये देखने में। तो ये रोबो आप देखें, ये बोल भी सकता है, ये बात कर सकता है, इसके आगे कैमरा लगे हुए हैं, ये ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है, अगर भाग रहा होगा कोई आगे आएगा तो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। ये देखें भाई रोबोट,
तो ये था इनसाइड व्यू म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर का। अब हम लोग म्यूज़ियम की सारी चीज़ें आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वो 5 बजे ओपन होता है और हमारे पास टाइम नहीं है और रात की मेरी फ़्लाइट भी है, तो जल्दी जल्दी हमें सारी चीज़ें कवर करनी है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं बाहर की तरफ। तो भाई टाइम टू से गुड बाय द म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर। आए हाय, ऐसी चीज़ ऐसी म्यूज़ियम के ही सामने मिलेगी भाई, लैम्बोर्गिनी, और मतलब कितना VIP किस्म का रैप किया हुआ भाई। तो भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आया म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर इन दुबई, इट वॉज सो गुड, बहुत ज़्यादा मज़ा आया वाकई, पूरा फ्यूचरिस्टिक ही था ये। बाकी अब हम लोग जा रहे हैं विग्स ऑफ मैक्सिको, मतलब आप लोगों ने देखा होगा अक्सर लोग यूँ खड़े होते हैं, यूँ खड़े होते हैं और पीछे विंग्स होते हैं, और बिल्कुल उसके बैक साइड पे जो है ना बुर्जुल खलीफा, हा हा हा, अब हम वहाँ जाएंगे, वहाँ तस्वीर वगैरह लेंगे। इस वक्त हम लोग दुबई मॉल के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, पीछे मेरे है बुर्जुल खलीफा। तो अब हम लोग विंग्स ऑफ मैक्सिको की तरफ जा रहे हैं, ये मेरे बिल्कुल ऑपोजिट बैक साइड पे दुबई मॉल है और पीछे मेरे बिल्कुल स्ट्रेट आप देखें बुर्जुल खलीफा। तो भाई दुबई मॉल के बिल्कुल सामने है बुर्जुल खलीफा और इसके बिल्कुल ऑपोजिट थोड़ा सा आगे जाके डांसिंग फाउंटेन भी आएगा, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ और आप बताइएगा कैसा लगा आपको। ये बिल्कुल सामने रात के टाइम होता है, अभी तो हो नहीं रहा, डांसिंग फाउंटेन है। तो भाई अक्सर आप लोगों ने दुबई की वीडियोस में देखा होगा लोगों का कि फाउंटेन जो है ना डांस कर रहा होता है, डांसिंग फाउंटेन, वो बुर्जुल खलीफा के बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट, तो वो यहीं होता है, ये वही जगह है, लेकिन इसकी भी टाइमिंग शाम की है इसलिए नहीं दिखा सकता, सॉरी। विंग्स ऑफ मैक्सिको की तरफ हम लोग जा रहे हैं, मेरे बिल्कुल ऑपोजिट है बुर्जुल खलीफा। तो भाई विंग्स ऑफ मैक्सिको की तरफ हम लोग जा रहे हैं और मेरे बिल्कुल साथ ही साथ चल रहा है बुर्जुल खलीफा। अरे बहुत मज़ा आ रहा है और ये यहाँ पे डांसिंग फाउंटेन होता है, तो ये डांसिंग फाउंटेन जो है ना शाम को आई थिंक 6 बजे शुरू होगा, तो कोशिश करेंगे कि इसको कवर करें क्योंकि आज रात मेरी फ़्लाइट भी है और घर भी तो जाना है यार। भाई बुर्जुल खलीफा बिल्कुल साथ आ गया, विंग्स ऑफ मैक्सिको की तरफ जा रहे हैं बहुत ज़्यादा चल चल के, टांगों का बुरा हाल है लेकिन मज़ा भी आ रहा है क्योंकि आखिरी दिन है, यही दिन है भाई, कल से तो आराम ही आराम घर जाके, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है टू बी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा। आप देखें चारों तरफ भाई खूबसूरत बिल्डिंगें, ये मेरे ख्याल से कराची के आई आई चुनरी घर पर आ गए हम लोग, पीछे HBL प्लाजा, सारी बिल्डिंग्स। चल भाई विंग्स ऑफ मैक्सिको की तरफ जा रहे हैं। भाई फाइनली विंग्स ऑफ मैक्सिको पे हम लोग आ चुके हैं, अब वहाँ तस्वीरें वगैरह लेंगे, सामने लोग अपनी पिक्चर्स ले रहे हैं, पूरी जो है ना लाइन लगी है, अच्छी खासी लंबी लाइन है यहाँ पे। तो ये रहा, तो भाई ये है विंग्स ऑफ मैक्सिको, मतलब बहुत ज़्यादा भाई मुश्किल के बाद देखें अभी पूरा पीछे बुर्जुल खलीफा है और ये पिक्चर बहुत आउट क्लास आती है वैसे यहाँ पे, लेकिन लाइन काफ़ी लंबी है भाई, बहुत ज़्यादा रश है, आप देखें अच्छी खासी लंबी लाइन है, 100-150 बंदा खड़ा हुआ है, तो टाइम नहीं है, शॉपिंग भी करनी है और फिर घर पे जाके पैकिंग करके एयरपोर्ट के लिए भी निकलना है, इसलिए हम पिक्चर यहाँ नहीं लेंगे। तो भाई दिल थोड़ा सा उदास हो गया, इतनी मेहनत से इतनी दूर से चलते चलते आए हैं और यहाँ पे लाइन इतनी लंबी है लेकिन टाइम कम है यार, इसलिए हम लोग पिक्चर नहीं ले सके, लेकिन आपके साथ मैंने शेयर कर दिया विंग्स ऑफ मैक्सिको। व्यू चेक करें आप, मतलब कितना खूबसूरत व्यू है, बहुत ज़्यादा थक गए हैं भाई, वहाँ रश बहुत है इसलिए पिक्चर वगैरह नहीं ली, अब दुबई मॉल जाएंगे, वहाँ पे हम लोग अपना शॉपिंग वगैरह करेंगे, ठीक है भाई। तो भाई इसी के साथ हम आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं और ये पार्ट 1 था, इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द मेरे YouTube चैनल पे आएगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी दुबई ट्रिप की वीडियोस कैसी लगें। जल्दी जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल सेकंड पार्ट इसका आएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।